तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज इलेक्ट्रिकल के मेरे टॉप पे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले लेंगे, जब 4 साल 5 साल के बाद जब वो पास आउट होंगे तब इलेक्ट्रिकल से कहीं ज़्यादा जॉब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से निकली होती है, राइट। सो आप अगर थोड़ा सा फ्यूचर को फोरसी करके अपने लिए डिसीजन बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर डिसीजन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम डॉक्टर मुअज्जम मंजूर एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करियर ऑप्शंस फॉर प्री इंजीनियरिंग एंड ICS स्टूडेंट्स। मैं एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस देने वाला हूँ प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स के लिए। इन ऑप्शंस के देने का मकसद ये है कि आप इन ऑप्शंस को वे एंड कंसिडर करते हुए अपने लिए बेस्ट ऑप्शन फाइंड कर सकें। सो ये जस्ट एक लिस्ट है, ये प्रायोरिटी वाइज भी नेसेसरीली नहीं है कि मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि सबसे पहले अब ये करें, इसमें एडमिशन नहीं होता तो अब ये करें। बस ये एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना है। इसमें अब जो इंजीनियरिंग्स हैं ओवरऑल, इनके चार बड़े ग्रुप्स हैं। इंजीनियरिंग्स के ओवरव्यू से अगर हम देखें तो चार बड़े ग्रुप्स हैं। एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, दूसरा सिविल ग्रुप है, फिर मैकेनिकल ग्रुप है और फिर चौथा केमिकल ग्रुप है। फिर हर एक ग्रुप के अंदर आगे फर्दर कई सारी इंजीनियरिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, एवियोनिक्स इंजीनियर है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियर है, कंट्रोल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर हम देखें सिविल ग्रुप, तो सिविल ग्रुप में सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, जियोलॉजिकल इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियर्स आते हैं। फिर मैकेनिकल ग्रुप के अंदर एक वाइड रेंज ऑफ इंजीनियरिंग्स है। फॉर एग्जांपल, मैकेनिकल इंजीनियर सिंपल है, फिर एरोस्पेस इंजीनियर है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मेरीन इंजीनियर एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर, मैनुफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग इंजीनियर भी है। फिर केमिकल ग्रुप के अंदर केमिकल इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, मेटलॉजिकल इंजीनियर, मिनरल प्रोसेस इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फूड इंजीनियर्स वगैरह भी इसके अंदर इवन आते हैं। और उसके बाद भी मिसलेनियस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग वगैरह। सो ये भी लाइक प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट ऑप्शन हैं। सो यहाँ पर बस एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेंगे, जिस भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, और आपने ये देखना है कि आपने सेटल कहाँ पे होना है। सो जिस लोकेशन पे आपने सेटल होना है, उस लोकेशन पे जब आप पास आउट होंगे उस वक्त उन किस्म के इंजीनियर्स की कितनी डिमांड होगी। सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज इलेक्ट्रिकल के मेरे टॉप पे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन ले लेंगे, जब 4 साल 5 साल के बाद जब वो पास आउट होंगे तब इलेक्ट्रिकल से कहीं ज़्यादा जॉब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से निकली होती है, राइट। सो आप अगर थोड़ा सा फ्यूचर को फोरसी करके अपने लिए डिसीजन बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर डिसीजन बनाएंगे। सो जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लें, आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि 5 साल के बाद उस प्रोग्राम की डिमांड कैसी होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें ना कि अब ग्रेजुअली हम अपनी जो डिपेंडेंस है वो पेट्रोलियम के ऊपर कम करते चले जा रहे हैं, राइट। खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जैसे आना है, इसके अलावा अभी एरोप्लेन्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एरोप्लेन्स भी हों, या एनर्जी के लिए हम बहुत सारी डोमेन्स में बैटरीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल, अब इमेजिन करें ना कि इंजन के बगैर अगर हम बहुत सारे कामों को करना शुरू कर देते हैं, इंजन्स गॉन इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप्स गॉन, इसका मतलब ये भी है कि स्पेयर पार्ट्स गॉन, इसका मतलब है कि मैकेनिक्स आर गॉन, राइट। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, सिंपली अगर आप इंजन को बैटरी के साथ रिप्लेस कर दें, बहुत सारी इंडस्ट्री स्ट्रेट वे वाइप आउट हो जाएगी, राइट। और डेवलप्ड वर्ल्ड में ये होना शुरू हो गया है, और डेवलप्ड वर्ल्ड में जो होता है इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, मे बी 1.5 decade, 2 decades, या फिर वैसा हो जाना होता है, राइट। सो लाइक ये जस्ट मैंने एक थॉट आपके माइंड में एंटर की है, जस्ट आपको बात समझाने के लिए कि जो भी आपने करना है, आपने फ्यूचर को थोड़ा सा फोरसी कर लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए प्रोग्राम चूज़ कीजिए, तब आपके सक्सेस के चांसेस मच मच हायर होंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट करियर ऑप्शंस फॉर यू। थैंक यू।